अब जनाबे बबलू लखनवी साहब जो है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और इस महफिल को तहजार बनाएं। हालांकि उन्होंने जिंदगी पूरे इस मुशायरे को दिया, इस महफिल को शुरू से जिंदगी बख्शते हुए आ रहे हैं, लेकिन बगैर माइक के अब वो माइक से इस महफिल को जिंदगी अता करेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। क्वांटिटी में शामिल पढ़ूंगा नहीं। सदर मोहतरम, मैं आज मजाहिया कलाम नहीं पढ़ सकता हूँ। आज मेरी मजबूरी है डॉक्टर साहब, आज मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। वैसे भाई मैंने आपको बताया था, मैं आज सिर्फ अपनी वाइफ की एक पुरानी गजल है 85 की, तो मैं आप लोगों के सामने पूछा हूँ। भाई ने मेरा काम पूरा कर दिया ना। क्या तक पढ़ू सर? मसरूर शाहजहांपुरी। हजरत मुझे माफ कीजिएगा, आपने बहुत अच्छा कलाम सुनाया, मेरा दिल बाग-बाग हो गया, मेरी कमी आपने पूरी कर दी। ये इसमें भाई, ये पंजाब में सर इन होटल है या हरियाणा में है? ये 85 की बात है, पंजाब में। हाँ, वहाँ पे बम गिरा था, तो हम लोग वहाँ मुशायरे में गए थे, तो मलिकजादा साहब कहने लगे, अरे यार अनवर, नसीम को मिसरा दो, ये मिसरा लगा देंगी फौरन। तो उन्हीं ने मिसरा दिया अनवर जरारपुरी ने, कि जिंदगी आप नए अफकार तक आ पहुंची है। तो हमारी बेगम बहुत सलाहियतमंद थी, मैं तो जाहिर आदमी हूँ, कंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ, मैं जाहिर हूँ, लेकिन मेरी बीवी बहुत काबिल थी और इस लखनऊ ने, इस कूफे ने उनकी कदर नहीं की। ये कूफा है लखनऊ, कदर नहीं की। उन्होंने जिस पर PhD की थी उनको हथेली उठा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, लखनऊ कूफा है। मैं कंके की चोट पर कह तो मैं किसी का डर नहीं, ना किसी की परवाह, मेरा पैर कब्र में लटक रहा है। उन्होंने विसरा दिया था कि जिंदगी अब नए अफकार तक आ पहुंची। तो मलिकजादा साहब ने उनसे कहा था, नसीम कर दो, मेरी वाइफ डॉक्टर नसीम न कर। तो उन्होंने बर्दस्ता मिसरा लगाया कि जिंदगी अब नए अफकार तक आ पहुंची है, मैं कशी छोड़ के तलवार तक आ पहुंची। जिंदगी अपने अफकार तक आ पहुंची है, मैं कशी छोड़ के तलवार तक आ पहुंची है। और वो जो मरियम थी कभी सर ना खोला जिसने, वो जो मरियम थी कभी सर ना खोला जिसने, आज पौजेब की छनकार तक आ पहुंची है। वो जो मरियम थी कभी सर भी ना खोला जिसने, आज पौजेब की छनकार तक आ पहुंची है। और या खुदा छीन ले मुझसे मेरी शोहरत अब तो, या खुदा छीन ले मुझसे मेरी शोहरत अब तो, पाल पढ़कर मेरे किरदार तक आ पहुंची। या खुदा छीन ले मुझसे मेरी शोहरत अब तो, पाल पढ़कर मेरे किरदार तक आ पहुंची है। और वो मुझे छोड़ के जा बैठा है जिस साए में, वो मुझे छोड़ के जा बैठा है जिस साए में, धूप उस साये दीवार तक आ पहुंची है। और क्या खुदा, ये तो मैं दोबारा पढ़ने जाऊंगा। आज मख्ता सुनिए, आज यूसुफ है खरीदारों की सब पे नखर। आज देखिए PhD कर रही थी उस वक्त वो, आज यूसुफ है खरीदारों की सब पे नखर, और जुलेखा है कि बाजार तक आ पहुंची। हजरत माफ कीजिएगा, आज ही के दिन, आज शवाल है ना, आज ही के दिन।